हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। अभी को 2 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि आज 10 सितंबर है, 10 जुलाई को हो रखा था और 10 अगस्त को 1 मंथ, और आज 10 सितंबर है, तो आज 2 मंथ कम्प्लीट हो गए हैं। तो आज हम कर रहे हैं 2 मंथ की वेलकम की तैयारी, जो मैं आज थोड़ा यूनिक कर रही हूँ। पिछली बार मैंने फ्लावर्स वेयर कर रखा था, आज मैं लीव्स तोड़ कर ला रखी हूँ जो कि फ्लावर्स की हैं। तो आज इनसे हम कुछ नया ट्राई करेंगे, तो क्योंकि हर मंथ कुछ नया होना चाहिए। पिछली बार फ्लावर्स का हो रखा है, तो इस बार इनका करके देखते हैं कि कैसे करते हैं करके। तो आप लोग बने रहें मेरी वीडियो के साथ और देखें कि मैं बेबी की वेलकम की तैयारी कैसे करती हूँ, बेबी के 2 मंथ की वेलकम की तैयारी। तो मैं अभी फ़िलहाल रूम पे हूँ, मैं रूम पे आ गई हूँ मुझे तोड़कर। तो अब मैं यहाँ पर ये बनाती हूँ और फिर उसके बाद अपने बेबी को लाती हूँ, देखती हूँ उसे कैसा लगता है। पिछली बार क्लास वाला तो उसे काफ़ी अच्छा लगा था, काफ़ी इन्जॉय कर रहा था। फिर कुछ उसकी नटखटी नोकझोंक वाली बातें भी बताऊँगी, जो कि उसने काफ़ी कुछ सीख रखा है इन 2 महीनों के अंदर, तो आप लोगों को वो भी दिखाऊँगी और उसको लाइव दिखाऊँगी कि वो कैसी चीज़ें करता है, क्या है करके। तो बने रहे मेरी वीडियो के साथ और इन्जॉय कीजिए। सबसे पहले तो मैं इनका बनाती हूँ 2 मंथ वेलकम। इसके अंदर बेबी को सुनो, और लेकिन बन नहीं रहा है, दिल बनाना आ नहीं रहा, तो कैसे बने, कैसे बनाते हैं ऐसे करके, ऐसे होता है यहाँ से, फिर ऐसे होता है, बन पता नहीं क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं बन रहा है। हाँ, ऊपर को ला, अब मैं हाथ नहीं हाथ नहीं हाथ बिल्कुल ला, बिल्कुल ला, सास और बहू लगे बिल्कुल दिखा देते शराम सर जी में हाथ हमारा खराब हो पिछली बार में मेरे से नहीं बना था, फिर बनाई बना दूंगी लाइन सर बनाई दिल 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 है दिल 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 ये दिल दिल पांडा पत्ता तो होता है दिल 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 ना फिट नहीं आएगा ना, तो बड़ा हो गया ये देख। हाँ बन गया, ऐसे अम्मा बनाती है दिल, मम्मा क्या जानती है दिल बनाना, मम्मा के साथ तो दिल है ना नाती के लिए। तो गाइस देखिए, 2 हार्ट यहाँ पर बन गया। आज हमारे बेबी को 2 मंथ कम्प्लीट हो गए हैं। तो पिछली बार तो मैंने थोड़ा छोटा बना रखा था, लेकिन इस बार थोड़ा लंबा, क्योंकि अब वो थोड़ा बढ़ गया है, तो देखते हैं इतने में फिट आता है कि नहीं आता है। मेरे ख्याल से इतने में भी फिट नहीं आएगा वो, क्योंकि इधर पे सर आएगा और इतना ही तो होगा नहीं। अब देखो, अभी बेबी को लाती हूँ, फिर उससे पता चलेगा। ये कम्प्लीट हो गया है, हार्ड बनाया माँ और मैंने, क्योंकि मेरे से नहीं बन रहा था। पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा, हार्ट बड़ा बेकार का बन रखा था, सब लोग बोल भी रहे थे कि ये कोई हार्ट होता है, मेरे तो भाई ने बड़ी मजाक उड़ा रखी थी मेरे हार्ट की, लेकिन इस बार अच्छा हार्ट बन रखा है। ये 2 और ये हार्ट अभी यहाँ पर सुलाएंगे और आपको अपने बेबी से मिलवाते हैं। तो गाइस देखिए, मेरा वर्क कंप्लीट हो गया है, मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने उस हार्ट में खुद को ही सुला दिया है, क्योंकि मैं उसमें फिट नहीं आ सकती हूँ, इसलिए मैं और ये इस हार्ट के अंदर हैं। अब इधर पे हम इस हार्ट के अंदर कैप्चर हैं, अब इस बेबी को भी इस हार्ट के अंदर कैप्चर करेंगे। तो 2 मंथ कम्प्लीट हो गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बेबी का बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर सो गया है, वो पांडा, जो कि बेबी से भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है। अब इधर पे बेबी भी फिट आएगा, पांडा उसका दोस्त सो चुका है। गाइस देखिए, ये हमारे ताशु जी आ गए हैं, ये हमारे दक्ष हैं जो आ गए हैं। आज इसकी मम्मा ने टीका लगा रखा है, तो टीका इतना खास नहीं लगा, वो ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसने हाथ से फैला दिया था। देखिए टीका फैला दिया। तक्ष हेलो बोलो पापा। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग, बोल देते हो पापा। आज बहुत टाइम बाद ब्लॉग में आ रखा हूँ, बोल दे मेरा बाबू, ऐसे ही पकड़ो बोलता है। आजकल ये बहुत बदमाश हो गया है, नीचे कम रहता है, गोद में ऐसे ही रहो बोलता है। वैसे ज़्यादा परेशान तो नहीं करता है मेरे को, सारे काम वाम करने देता है। जब मैं खाली होती हूँ उसी टाइम बोलता है कि मम्मा अब तुम खाली हो गई हो, अब आप मुझे गोद में पकड़ लो। तो मैं 2 बजे से खाली हो जाती हूँ, तो ये 2 बजे उठकर मुझे परेशान करने लग जाता है, तो 2 बजे फिर अपना भी उठ जाता है। फिर मेरे से बोलता है ऐसे पकड़ कर मुझे घुमाओ मम्मा, मुझे घुमाओ।
तो गाइस मिली हमारे तक्ष से, ये आ गए हैं हमारे तक्ष जो कि हार्ट में आराम से मज़े से सो रखे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रखे हैं। तो इनके चारों ओर का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है। तो इनको आज 2 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, अब आज से इनको 3rd मंथ लग गया है। देखिए इनको पिछली बार से काफ़ी अच्छा लग रहा है कि काफ़ी देख रहे हैं, काफ़ी शांत स्वभाव के हैं, ज़्यादा मम्मा को परेशान नहीं करते हैं अपने। तो पिछली बार से शायद इस बार वाला ज़्यादा पसंद आ रखा है इन्हें, लेकिन उतना गेम में मस्ती खेल वेल तो नहीं रहे। ये पैरों में इससे इन्हें ये ब्लैक धागा पहनना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बार बार खोल कर फेंक देते हैं, जैसे पैरों से साइकिलिंग करते रहते हैं, साइकिलिंग करने के बाद उसके बाद दूर फेंक देते हैं। तो आज मैंने कुछ इस तरह से यहाँ सजा रखा है, देखिए इसे पसंद नहीं आ रखा है इसलिए रो रहा है। मिली हमारे तक्ष बाबू से, देखिए खेली खेली कर रहा है, खेली खेली खेल। इनको 2 मंथ कंप्लीट होने की बहुत बहुत बधाइयाँ, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और आराम से रहिए, और ऐसे ही मम्मा को परेशान ना करिए और आराम से बैठे रहिए। तो गाइस प्लीज़ गाइस बताना ज़रूर कि आप लोगों को ये डेकोरेशन कैसा लगा और बेबी का वेलकम कैसा लगा। तो अगली बार मुझे हार्ट थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, अब मैं हार्ट नहीं बनाऊंगी, कुछ और बनाऊंगी। अब देखिए फिट नहीं आ रहा है हार्ट में। तो देखिए ये हमारे तक्ष जो कि नींद से जाग चुके हैं, देखिए नींद से बिल्कुल जाग चुके हैं ये। हेलो तक्ष, क्या कहोगे अपने फैंस लोगों को बताएं? कुछ नहीं कहने वाले हैं ये, कुछ नहीं कहेंगे बोल रहे हैं हम अपने फैंस लोगों से। तक्ष कुछ बोलना चाहेंगे आप? कुछ बोलोगे? नहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये ओनली मस्ती करना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं करने वाले हैं। ये साइकिलिंग करने लग गए हैं, ये सोच रहे हैं आज मेरे चारों ओर क्या बिछा दिया है, आखिर ये क्या कर दिया है ऐसा। तो ये साइकिलिंग करने में काफ़ी माहिर हैं, तो साइकिलिंग करने लग गए हैं। और जो पैरों में काले धागे बांध रखे हैं ये अभी खोल देंगे, आप देखना अभी खोलकर साइड कर देंगे और साइकिलिंग करते रहेंगे। अभी बस अभी इनका गेमिंग टाइम है, अभी गेम खेलेंगे कुछ देर साइकिलिंग करके। तो हम इन्हें गेम खेलने देते हैं, हम बाद में मिलते हैं। तो चलिए टाटा बाय बाय।